भारतवर्ष में हमेशा से ही गाय को माता का दर्जा देते हुए हमेशा पूजनीय माना गया है, लेकिन कई बार कई कुछ ऐसे दरिंदे माता का दर्जा तो छोड़ो गाय को जानवर भी नहीं समझते और अपनी क्रूरता और बर्बरता के चलते वह सब भूल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के सवाईजपुर गांव से आया है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। उत्तर प्रदेश के नरवाल के सवाईजपुर गांव में शुक्रवार को एक हैरान कर देने वाली घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति ने एक कड़े डंडे से एक गाय को कई मिनट तक बेरहमी से पीटने के बाद फरार हो गया। आपको बता दें कि गांव के निवासी श्याम बाबू कुशवा ने कथित तौर पर गाय के एक पैर को गौशाला के अंदर बांध दिया और बड़ी बेरहमी से मारा, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराजपुर और नरवाल के निवासियों ने अपने मोबाइल फोन पर वायरल वीडियो देखने के बाद पुलिस को घटना की सूचना दी। नरवाल पुलिस निरीक्षण के लिए कुशवा के घर पहुंची, लेकिन पता चला कि श्याम बाबू कुशवा पहले ही भाग चुका था। एक और जहां सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि गाय की मौत हमले के कारण हुई है, वही दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि वह जिंदा है और उसकी चोटों का इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल गाय की हालत गंभीर है और एक पशु चिकित्सक द्वारा उसका इलाज और देखभाल भी किया जा रहा है। नरवाल पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर धन्य कुमार ने वायरल वीडियो की पुष्टि की है और कहा है कि यह घटना 16 जनवरी को हुई थी। उन्होंने मीडिया को बताया कि मामले की एक FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपी श्याम बाबू के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि सवाईजपुर गांव में बने अस्थायी गोरक्षा केंद्र में करीब 40 बेसहारा जानवर हैं। 16 जनवरी को गाय निकली और श्याम बाबू के खेत में खड़ी गेहूं की फसल के आसपास चर रही थी। खेत पर पहुंचकर श्याम बाबू मवेशियों को खेत से निकालकर गौशाला में ले गया और उन्हें बेरहमी से डंडे से पीटना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गौहत्या रोकथाम अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार जो कोई किसी गाय या उसकी संतान के जीवन को खतरे में डालने के इरादे से किसी भी तरह की शारीरिक चोट का कारण बनता है, उसे भोजन या पानी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। उसे 10 साल तक की कैद और 3,00,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक और जहां गौरक्षा के लिए इतने कानून हो और साथ ही इतने गौरक्षक हो, वहां ऐसी घटना को अंजाम देना एक दुखद और चिंताजनक माहौल बनाता है और इस गहन चिंतन को जन्म देता है कि क्या ये सभी कानून तभी लागू होते हैं जब कोई मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति ऐसे घिनौने दुष्कर्म करते पाया जाता है। क्या नियम कानून यहां नहीं लागू होते हैं? आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार चैनल। धन्यवाद।